नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एफपीओ बनाने के लिए हमें कितने मेंबरों की आवश्यकता होती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या प्रोसेस होती है। आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, एक एफपीओ बनाने के लिए कम से कम 10 मेंबरों का होना आवश्यक है। या तो 10 मेंबर हों इंडिविजुअल, या दो एफपीओ मिलकर भी एक प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके मेंबर हैं वो किसान होना चाहिए, या किसान या खेती से रिलेटेड, या उत्पादन उत्पाद जो होता है उत्पादन से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके लिए एक किसान प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती है। तो जो किसान प्रमाण पत्र बनता है वो या तो हमें तहसीलदार के ऑफिस से तहसीलदार के द्वारा साइन करा के बनवाना होता है, जो कि किसान के खसरा नक्शा, जो हमारे मेंबर हैं उनके जो खसरा नक्शा होगी, जो उनके प्रॉपर्टी के पेपर होंगे एग्रीकल्चर लैंड के, उसके आधार पर तहसीलदार के द्वारा इस प्रमाण पत्र पे साइन कर दिया जाता है, ठीक है, वो चल जाता है। या फिर जो जिले के कृषि अधिकारी हैं एग्रीकल्चर विभाग के, उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र बना के प्रारूप कि यह व्यक्ति उत्पादक हैं या उत्पादक से रिलेटेड गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, ऐसा एक प्रमाण पत्र बनवा के उस पर साइन कराना होते हैं कृषि अधिकारी के, या फिर अपने जो नक्शा नकल या बही है उनके आधार पे किसान प्रमाण पत्र जो है तहसीलदार से बनवाना होंगे। तहसीलदार से भी बनवा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी हम बनवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमें जो हमारे मेंबर हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं अनिवार्य होते हैं, जैसे हमें सभी जो मेंबर हैं उनके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, सभी के पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों में से एक चीज़ का होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो हमारे मेंबर रहेंगे उनकी पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी, पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट हो सकता है जिसमें करंट की एंट्री होना चाहिए, जो एक दो महीने से ज़्यादा पुरानी एंट्री नहीं होना चाहिए। यदि एक दो तीन महीने से ज़्यादा एंट्री पुरानी हो जाती है तो जो फॉर्म है हमारा वो रिसबमिशन में आ जाता है, इसलिए जो है एंट्री उसमें करंट की होना चाहिए। इसके बाद हमें जो हमारा एफपीओ का रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा उसके एड्रेस प्रूफ के लिए, यदि हमारा जो ऑफिस है वो किराए पे है तो उसका रेंट एग्रीमेंट हमें बनवाना होगा। रेंट एग्रीमेंट कम से कम 500 रुपये के स्टाम्प पे बनवाना होगा। इसके साथ उस प्रेमाइसिस में हमें जो बिजली बिल होगा हमें उसकी आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो हमारा रेंटेड है तो जो ऑनर है प्रॉपर्टी का उससे हमें एक एनओसी पे साइन कराना होगा। यदि जो हमारे मेंबर हैं उनका स्वयं का है जो है रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ का है, तो वहाँ पे हमें रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ एक बिजली बिल और जो ऑनर है जो मेंबर ऑनर है उनके एनओसी पे साइन ये करवाना होंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें जो हमारे 10 मेंबर हैं सभी 10 मेंबरों के डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। जो डिक्लेरेशन साइन होती है वो डीएससी के माध्यम से 10 मेंबर की होती है। इसके अलावा दोस्तों एक सब्सक्राइबर सीट पे 10 जो मेंबर हैं उनके साइन कराना होते हैं, जो एमओए एओए के साथ में ड्राफ्ट होते हैं बनते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट हमें ऑनलाइन फाइल करना होते हैं एमसीए पोर्टल पे, जिसके माध्यम से हम एफपीओ रजिस्टर्ड करते हैं या कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले नेम रिजर्व करना होता है, या फिर नाम यदि आपने देख लिया है कहीं उस नाम से कंपनी नहीं है, उसका कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो आप एक ही बार में कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस है वह ये देखिए, फीस स्टेट बाय स्टेट स्टाम्प ड्यूटी के कारण चेंज होती रहती है। जैसे मध्य प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी लगती है, बाकी अन्य स्टेट में स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से फीस में कुछ अंतर आता है सभी स्टेट बाय स्टेट। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एक एफपीओ बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, क्या प्रोसेस है, और स्टाम्प ड्यूटी का क्या फीस रहेगी। यदि आपको और अन्य कोई जानकारी या मार्गदर्शन एफपीओ से संबंधित चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9755022055। धन्यवाद। यदि हमारा जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी हो तो अन्य लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एवं एफपीओ से संबंधित अन्य जानकारियां या अन्य न्यू अपडेट जो हैं उनकी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।